और आज आरिस को फिर से जा रहे हैं छोड़ने के लिए मस्जिद के पास। आज फिर उसके ऑटो वाले अंकल सोए के सोए रह गए, देर तक सोए रहे। कॉल किया जब हम तो उठे हैं, आ गए, अब आए हैं और हो गए। आरिस को ड्रॉप कर दिया, आए तो वो आ ही गए थे। जैसे हम लोग पहुँचा कॉर्नर पे मस्जिद के तो वो आ गए थे। इस बार आज ई रिक्शा लेकर के आए हैं। कम स्टूडेंट हैं आज, आज कुछ ही का एग्ज़ाम है, सबका नहीं है, तो इसलिए ई रिक्शा लेकर के आए हैं। तो बस गए आरिस, फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं। और अभी फिलहाल 7 बज रहा है, तो एक साथ तीन तीन काम हो रहा है। तो इधर खस्सी की भुंजिया चढ़ा रही है और इसमें गोभी की सूखी भुंजिया, तो आरिस को बहुत ज़्यादा पसंद है। आरिस खस्सी नहीं खाता है तो उसके लिए ये बना दिए, आएगा तो फिर खाएगा। और इधर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो पनीर काट लिया है और मसाला निकाल लिया है, तो बस इधर पनीर चढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, एक साथ तीनों कर रहे हैं, क्योंकि वे ये ठीक है आरिस आज फिर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम है तो फिर 10:30 में छुट्टी हो रही है, तो 11:30 तक आ जाएगा। 11:30 तक सारा काम ख़त्म करना है, नहा करके और फ्री हो जाना है, सारा सब कुछ कर करके। तो इसलिए जल्दी से काम कर रहे हैं, एक साथ सारा काम कर ले रहे हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक से रश्मि ब्लॉग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फिलहाल अभी 9 बज रहा है, नाश्ता हो गया, तो आज थोड़ा जल्दी काम किया है, क्योंकि वही है कि आरिस फिर 11:30 तक आ जाएगा और आरिस को जाना पड़ा आज वहाँ तक छोड़ने के लिए। पता नहीं उनकी नींद ही नहीं टूटती, हालांकि जब पूछा तो बोले कि वही उनके यहाँ लाइट नहीं थी, 3 बजे लाइट आई, उसके बाद वो सोए। तो जब हम उनको कॉल किया है कि 5:10 हुआ, तो हम तो इसलिए कॉल किया था कि आरिस जाएगा स्कूल, क्योंकि वही है कि अल्टरनेट करके किसी दिन किसी क्लास का नहीं क्लास का तो पता नहीं चलता है ना, तो उनको फ़ोन करके बता देते कि हाँ आज आरिस का एग्ज़ाम है तो आज जाएगा। तो फिर वो मेरे फ़ोन से उनकी नींद टूटी के तो बोले बस आ रहे आ जाइए वहाँ पे। और आज ई रिक्शा लेकर के पता नहीं क्यों आए, वो तो और धीरे धीरे चलता है, पता नहीं किस टाइम से पहुँचा नहीं पहुँचा, आएगा तो फिर बताएगा। वैसे स्टूडेंट कम है, बहुत बच्चों का नहीं है इस एग्ज़ाम, तो जूनियर का, तो इसलिए 1-5 में कुछ कुछ का है, किसी क्लास का है, 3 का है, जैसे मतलब बहुत कुछ कुछ है, 8 का है, आरिस का 6 का है, तो इस तरह से किसी क्लास का है, तो इसलिए ई रिक्शा लेकर के आए थे। लेकिन वही है कि ई रिक्शा थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो टाइम पर पहुंचा, सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और फिलहाल तो बस अभी कुछ नहीं है, नाश्ता हो गया है और बस अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और काम भी जल्दी जल्दी साथ साथ कर रहे हैं। और अभी फिलहाल 1:30 बज रहा है, तो आरिस आ गया स्कूल से, खाना खा करके सो भी गया, तो आज काफ़ी जल्दी आ गया था स्कूल से, 11:30 में आ गया था। उस दिन थोड़ी सी देर हो गई थी, तो लग रहा है कि उस दिन बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी घर आने में, लेकिन आज एकदम टाइम पर आ गया था। हालांकि आज लग रहा था कि ई रिक्शा से गया है तो थोड़ा सा लौटने में भी देर होगी, लेकिन सही टाइम पर आया था और पहुँच भी गया था सही टाइम पर। इतना धीरे धीरे ई रिक्शा चलता है, लेकिन बोला कि नहीं अंकल सही टाइम पर 6 बजे पहुँचा दिए थे, तो 6:15 में इन लोगों का गेट बंद हो जाता है, तो लेकिन पहुंच गया था। और अभी तो फिलहाल खाना खा करके सो गया जल्दी से, क्योंकि आज थोड़ा और जल्दी भी उठना है, सर आएंगे तो उनका भी होमवर्क वगैरह ये सब भी बनाना है, तो इसलिए जल्दी सो दिया। और पापा अभी गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और अभी आए नहीं हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। बस आरिस तो खा ही ली है, हम लोग को खाना है। और अभी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, वैसे बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा हवा चलना और बादल लगा है, तो मौसम कुछ ठीक हो रहा है। और एकदम मौसम चेंज हो गया है और एकदम बांधी आ रही है, बादल लगा हुआ है। अच्छा है, आरिस आ गया, अब उसके बाद हो रहा है आंधी बारिश, जो भी होना है आरिस आ गया उसके बाद हो रही है। लाइट भी चली गई है फिलहाल तो अभी। और अभी फिलहाल 7 बज रहा है और ऑन स्टेशन गया पढ़ने के लिए, और काफ़ी देर तक सोया, 1:30 बजे सोया था, और उसको 5 बजे से उठाते अब जाकर के 5:30 में उठा, और उसके बाद फिर फ्रेश हुआ, फिर सर आए, तो अभी फ़िलहाल तो खलसा से ट्यूशन पढ़ रहा है, और उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ के आएगा, तो फिर देखे क्या खाता है, उठा है, तो फिर सर ही आ गए थे, कुछ खाया वाया नहीं है, सीधे फ्रेश होकर के चला गया सर से ट्यूशन करने के लिए। और इसके अलावा तो बस कुछ नहीं है, चाय वाय पी ली आप लोग, और बस फिर वेट कर रहे हैं उसी का कि वो आए, उसके बाद फिर बताए कि क्या खाएगा, या कुछ फिर कुछ मंगाने का उसका प्लान है, या फिर घर में ही कुछ बनाएंगे, तो वो आता है उसके बाद फिर बताएगा। और आरिस अभी अपना चिकन नगेट मंगाया है, तो उसको चिकन नगेट खाना था, और ये पास से बटीटो से ही मंगाया, तो बस फ़ौरन आ गया, ऑर्डर दिया, 10 मिनट में आ भी गया, और अब दे करके जा रहा है। उसको घर में नहीं खाना था, चिकन नगेट ही खाना था, और आ गया जल्दी, कितना जल्दी आ गया ना, काट लो छुरी से, फैची लो ना, अभी तो ऑर्डर दियो, फ़ौरन आ गया एकदम गर्म। ये बटीटो में बड़ा अच्छा है ना, फ़ौरन दो आ जाता है 10 मिनट में। नहीं नहीं, इसको काटो ना यहाँ से, निकालो निकालो, पीछे से पकड़ो, एकदम गर्म है बटीटो में, ये बड़ा फायदा है कि यहाँ पे दो ऑर्डर और फौरन आ जाता है। इसमें है तुम्हारा ये मायोनीज, इधर ये मायोनीज,
निकालो ना। तीता है क्या इतना सारा? और घिनो डाले हुआ आ रही जिसपे मना तो था, तब भी इतना सारा तीता शायद हमको लग रहा है देखने में, पता नहीं देखो कैसा होगा। कैसे आ रहे इतना और घिनो डाले हुआ था तो तीता है नहीं तीखा है, वो लग रहा है ऐसे ही डाले हुआ था और घिनो तीखा नहीं है। कैसा है खाने में? अच्छा है। खाओ गरम गरम चिकन नगेट, तुम्ही को ऐश। और देख क्या रहे हो मैडम सर? और जल्दी खाओ फिर पढ़ने आओ। आरिज अभी अच्छा सा डांस करके दिखाएगा। कौन सा गरबा डांस? नहीं ये तो तुम वो कर रहे हो तारक मेहता में वो जो करती है दया, दया दया बन गया दया बहन, दया क्या क्या ना क्या बोलता है उसको आरे, दया भाभी वही तुम बन गए हो। अभी तुम ब्रेक डांस करके दिखाओ तो। अच्छा अब आरिज अच्छे सीरियस हो गया, अब आरिज अच्छे से डांस करके दिखाएगा। ब्रेक डांस करो कौन सा डांस है, कौन सा ब्रेक डांस? अच्छा चलो ठीक है, डांस नहीं करके दिखाओगे तो गाने ही सुना दो एक अच्छा सा कोई। ठीक है सुना। पर्दे के पीछे से क्यों शर्म आती है क्या? पर्दे के आगे इधर आके थोड़ा पास आके सुनाओ ना, इतने दूर से सुनाओगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा पास आ जाओ। अरे ऐसे कैसे यार, इस पर्दा हटाओ ना चेहरे पर से, सुनाओ। आरिज तुम अभी क्या किए हो बालकनी में? बाजू के ऊपर पूरा पानी डाल दिए पॉलिथीन। अभी हम नीचे गए, हमको बोल रहा है कि ऊपर से पानी कैसे गिरा खलिया, पूरा हम भीग गए ऊपर से नीचे, मेरा लोअर वो जा रहा था उधर से, और तुम क्या किए हो पूरा पानी भर के उसके गलती से गिरा हो कि जान के गिराया तुमसे? गलती से थोड़ी गिरेगा, तो जान के गिराए हो पूरा उसका लोअर टी शर्ट। वही हमको कह रहा है कि पूरा ऊपर से जा रहे थे, आरिज पूरा इतना पानी फेंका मेरे बदन पे, पूरा पॉलिथीन एक पॉलिथीन भर के पूरा भीग गया। वो जाके फिर कपड़ा अपना चेंज किया, लोअर चेंज किया, हम बोले पूछते हैं आरिज से क्या किया है। और भी फिलहाल 9:30 हो रहा है तो जा रहे हैं अब खाना बनाने के लिए, तो काफ़ी देर होगी चले गए थे नीचे थोड़ा देर बैठ गए। असल में सायमा का फोटो एक भेजी व्हाट्सएप पर कि अभी बाथरूम में टॉयलेट में बिच्छू निकला है, तो वही देखने चले गए। तो खैर छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अभी जब वो मौसम जो हो रहा है ना चेंज, हल्की सी बारिश हो जा रही है, गर्मी हो रही है, तो उस वजह से हो सकता है निकला होगा, तो वही था, तो वही देखने के लिए चले गए। तो फिर थोड़ा देर बैठ गए, अभी फिलहाल 9:30 हो गए, अब जा रहे हैं जल्दी से खाना बनाएंगे। और अभी फिलहाल 11 बज रहा है, खाना पीना खा लिया। और आप लोगों से पूछा था कि अब व्लॉग बनाएं या ना बनाएं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, तो बड़ा अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किया। और बस आप लोगों ने कहा कि नहीं ब्रेक मत लो, बनाते रहो व्लॉग, और बीच में बस रुको नहीं, अगर एक बार रुक जाओ तो फिर रुक ही जाता है आदमी, फिर छूटते जाता है छूटते जाता है, तो व्लॉग को कंटिन्यू रखो, ब्रेक मत लो। तो बस आप लोगों के कमेंट को देख करके उनको भी हिम्मत आ गई है, तो बस सोच रहे हैं कि चलो ठीक है जो भी बन रहा है घर का कुछ अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आए, घर ही में ही कुछ अच्छा व्लॉग बनाए, कोशिश तो कर रहे हैं। बस वही हो जाता है ना कि आरिस के वजह से थोड़ा सा मतलब दिमाग रहता है कि उसको पढ़ाना है देखना है, घर का भी काम हो जाता है, और उसके तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा अभी जा रहा है कि वो याद कर रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बैठे इधर उधर ना जाए, तो बस इसी वजह से एक तो छोटा सा व्लॉग बन रहा है और ज़्यादा कुछ बनाने का दिल भी नहीं करता है। लेकिन आप लोगों का कमेंट देख करके लगा कि नहीं व्लॉग बनाते रहो, कंटिन्यू रखो, ब्रेक नहीं लो, तो बस वही है व्लॉग बना रहे हैं। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो बस इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।